इसमें आपका बेस्ट जो सेगमेंट है वो कौन सा रहा? आपको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या क्वेश्चंस लगे, या फिर आपको क्या बताने को ऐसा दिल किया कि ये तो मुझे बताना ही था, या फिर ऐसा कुछ छूट गया? मैं अपना नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, सबसे अच्छा सेगमेंट क्या रहा हूँ मैं अपना क्या बताऊँ, मुझे नहीं मालूम, तो आप पर ट्राई करें। मुझे सबसे अच्छा सेगमेंट ये लगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसका मैं कायल हो गया। अक्सर बच्चों में कम आत्मविश्वास होता है, उनको लगता है कि सामने के सामने मैं क्या बात करूँ, पता नहीं ये तो क्या महान है, क्या चीज़ है, उसके वो एक ना दुराव की भावना होती है। वो जब से आपने बोलना शुरू किया पहले वाक्य से, उसी वक्त से जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसका मैं कायल हो गया, और उसमें बहुत तारीफ हुई, इसको आप बनाए रखिए। और बाकी बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस स्तर का बनाइए कि आपको बात करने में किसी से कोई हिचक ना हो। सर ये तो आपका बड़प्पन है। और नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है, और आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि खुद ही इंसान इतना कंफर्टेबली आपके साथ बातचीत कर पाए। सो ऑन दैट नोट, नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस हियर। आपने जो भी बातें कही सर, ये बहुत एनलाइटनिंग थी, और ये दिल को बहुत छू लेने वाली थी। जो आपने हमें कथाएं सुनाई ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड आप जैसे लोग जो महान पर्सनालिटीज हैं, दे आर अ फाउंट ऑफ कोलोसल इंस्पिरेशन फॉर यंग रीडर्स एंड राइटर्स लाइक अस। वी लुक अप टू यू, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी तरह बने, आप जैसे लोग जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। बिकॉज राइटिंग जो है, आपने जैसे कहा कि इट इज नॉट ओनली थेरेपी टू योर सेल्फ, बट इट इज ऑल्सो ये लोगों को एक मैसेज देता है, ये सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंस हियर एंड